आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव जी के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है झाड़ू। जी हां, आपने भगवान शिव पर दूध, जल, बेलपत्र और धतूरा तो चढ़ाते हुए देखा होगा, लेकिन इन सभी के अलावा एक ऐसा शिव मंदिर है जहां भक्त महादेव की आराधना झाड़ू चढ़ाकर करते हैं। अब आपको बता दें कि कहां होती है ये पूजा। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बिहारजोई गांव के प्राचीन पतालेश्वर में एक शिव मंदिर है जहां पर भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं और उस मंदिर में भगवान शिव की आराधना करते हुए लोग उन्हें झाड़ू चढ़ाते हैं। बता दें कि पतालेश्वर मंदिर के प्रति भक्तों की अनोखी ही श्रद्धा है और यहां भगवान शिव को लोग दूध, जल और फल के साथ साथ सीखों वाली झाड़ू उनके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और मान्यता ये है कि इस मंदिर में भगवान शिव को झाड़ू चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। भक्तों का ये मानना है कि झाड़ू चढ़ाने से भोलेनाथ खुश हो जाते हैं और इससे त्वचा संबंधी रोगों से छुटकारा मिलता है और भगवान शिव का ये मंदिर पूरे क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के पुजारी का कहना है कि ये मंदिर करीब 150 साल पुराना है। यहाँ झाड़ू चढ़ाने की प्रथा भी काफी पुरानी है। बता दें कि शिवजी को झाड़ू चढ़ाने के लिए लोग हर दिन घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और इसके अलावा यहाँ दर्शन करने के लिए भी सैकड़ों भक्त आते हैं, जो कहते हैं कि इस गांव में भिखारी दास नाम का एक व्यापारी रहता था जो बहुत धनी था, लेकिन उसे त्वचा संबंधी एक बड़ा रोग था। फिर एक दिन वो इस रोग का इलाज करवाने जा रहा था कि अचानक से उसे प्यास लगी और तब वो महादेव के इस मंदिर में पानी पीने आया और वो मंदिर में झाड़ू लगा रहे महंत से टकरा गया और जिसके बाद बिना इलाज ही उसका रोग दूर हो गया। इससे खुश होकर सेठ ने महंत को धन देना चाहा, पर महंत ने वो लेने से मना कर दिया, पर इसके बदले उसने सेठ से यह मंदिर बनवाने के कहा। बस तभी से इस मंदिर के लिए बात कही जाने लगी कि त्वचा रोग होने पर यहाँ झाड़ू चढ़ानी चाहिए जिससे लोगों की तकलीफें दूर हो जाती हैं और इसलिए आज भी श्रद्धालु यहाँ आकर झाड़ू चढ़ाते हैं। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।